हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 13 अक्टूबर 2017 देखेंगे। तो हमेशा की तरह रिपीट कर रहा हूँ कि लिखने पर ध्यान मत देना, नोट्स पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इनकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम की इंपॉर्टेंस ये रहेगी आपको कि आप एक तो आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इन ग्रुप्स में, और कोई भी अपडेट आएगा तो आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। प्लस आपकी कोई भी क्वेरी हो यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले GS2 देख लेते हैं दोस्तों। ये जो न्यूज़ है तलवार एक्विटेड इन आरुषि केस, इसको सिर्फ यहाँ पे इसीलिए लिया गया था आपको आपको बताया जा सके कि आपको क्या नहीं पढ़ना। अब आज के हिंदू के न्यूज़पेपर में अराउंड 1.5 पेज से ज़्यादा इस न्यूज़ के लिए यूज़ किया गया है, इसको कवर किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ने में अपना आधा पौना घंटा वेस्ट कर दोगे, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ोगे, हाई कोर्ट ने क्या कहा पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पढ़ोगे, सीबीआई ने क्या कहा पढ़ोगे, और आपको उसके बाद पता चलेगा कि इसमें से आपके लिए कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्टिव नहीं निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, कहीं एनालिसिस आप एक जगह नहीं देखते, चार पांच जगहों पे आप एनालिसिस देखते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो कहीं पे भी एनालिसिस में ये वीडियो इसके ऊपर न्यूज़ कवर की हुई होगी, उस पर 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए होंगे, और आप भी बड़े ध्यान से सुनोगे। मसाला लेने में इन सब में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल क्रॉस है, इसमें कोई अपने लिए कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ है नहीं निकलती है। तो ऐसी न्यूज़ से बचना है, अगर खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी इन्हें अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, थोड़ी हेडलाइंस पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, इतना पढ़ लिया ठीक है कि इन्हें रिहाई मिल गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भैया इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो रिहाई मिल गई है। तो इतना पढ़ लिया, इतना अपने लिए सफिशिएंट। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ के अपना टाइम मत वेस्ट किया करो, और अगर ऐसी वीडियोज़ भी देख के अपना टाइम मत वेस्ट किया करो, ठीक है ना। तो अपने लिए काम की जो खबर है वो देख लेते हैं। SC क्लियर्स द एयर ऑन सीनियर लॉयर लॉयर डेजिग्नेशन। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 दिन पहले हमने जब डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कलिजियम, जो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए जो कलिजियम बनाया जाता है, उसके जो डिसीजंस होते हैं उसमें अब थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर डाला जाएगा रीज़न की किसी पर्सन को क्यों हाई कोर्ट का जज या किसी पर्सन को क्यों सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनाया गया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब सीनियर लॉयर्स की जो डेजिग्नेशन होती है, ठीक है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है उसमें जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, तो कई लॉयर्स को डेजिग्नेट किया जाता है एज सीनियर लॉयर्स। ठीक है, तो ये सीनियर लॉयर्स ऐसा नहीं होता कि जो 45 से 50 से ऊपर हो गए उनको सीनियर लॉयर्स बोल दिया, नहीं, ये सीनियर लॉयर डेजिग्नेशन दी जाती है कुछ सर्टेन पर्सन्स को बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है या उनकी जो नॉलेज रहती है उसके बेस पे। तो अभी तक जो ये प्रोसेस था ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलो अब हम जब जजेस की अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो सीनियर लॉयर्स की जो डेजिग्नेशन है उसको भी हमें ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। तो अभी तक क्या होता था, जो जजेज होते थे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी जिम्मेदारी होती थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर लॉयर है हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट वाले जज देखते थे। तो अभी तक जो जज होते थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी डिस्क्रिशन होती थी कि वो ग्रांट किसी को करें सीनियर जो स्टेटस है या ना करें। ठीक है, वो उनकी जो डिस्क्रिशन में रहता था, और जो भी इसके लिए कोई रीज़न वगैरह नहीं दिया जाता था, ये पूरा जो प्रोसेस था वो ओपेक रहता था। अब आप ये देखिए कि आप कहेंगे कि यार सीनियर लॉयर जूनियर लॉयर अपने को क्या लेना, तो जो स्टेटस होता है सीनियर एडवोकेट का वो काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मस रिस्पेक्ट जो है वो ग्रांट करता है। ठीक है, कोर्ट से भी, जजेस भी इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी लॉयर के पास सीनियर का टैग होता है तो जजेस भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ये लोग अच्छा खासा फिर पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, जो फीस ये चार्ज करते हैं फिर वो भी इनकी बढ़ जाती है। अगर आपके पास अब कोई स्टेटस लग गया, आपके पास एक सिंबल लग गया भैया सीनियर, तो आप किसी कोर्ट में जाओगे किसी को केस देने, आपको पता चलेगा कि भैया ये सीनियर वकील है, आपको पता है कि इसकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपसे पैसा जो है वो भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, द कोर्ट हेल्ड दैट द क्रीडेंशियल्स ऑफ एवरी वन हु सीक्स टू बी डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट और हुम द फुल कोर्ट सो मोटो डिसाइड्स टू कन्फर द ऑनर मस्ट बी सब्जेक्ट टू अटमोस्ट स्ट्रिक्ट प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी लिविंग नो स्कोप फॉर एनी डाउट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर कोई भी एडवोकेट है वो अपने आप को क्रेडेंशियल्स जो है अपने सबमिट करता है कोर्ट को कि भैया मेरे को सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन दे दो, देखो मैंने ये काम किया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो खुद से सो मोटो एक्शन लेके किसी वकील को डिक्लेयर करते हैं कि भैया हाँ तू अच्छा तूने काम किया है तो तेरे को सीनियर वकील बना रहे हैं। तो उसके लिए अब जो है प्रोसेस फॉलो किया जाएगा स्क्रूटिनी का, ताकि कोई डाउट ना रहे कि इस बंदे को क्यों बनाया, इस बंदे को क्यों नहीं बनाया। तो जो नया प्रोसेस रहेगा उसमें क्या रहेगा, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिन्होंने ये
सीनियर लॉयर की डेजिग्नेशन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि एक परमानेंट कमेटी बनाई जाएगी, उस परमानेंट कमेटी को हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस कमेटी में चीफ जस्टिस इंडिया आपके हेड हो गए, उसके अलावा जो होंगे वो टू सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट में से होंगे वो जज या हाई कोर्ट में से होंगे। ठीक है, और कौन कौन होगा इसमें? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होंगे, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, या फिर एडवोकेट जनरल होंगे ऑफ दी स्टेट इन केस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट लॉयर बनाना है तो उसके केस में आपका हाई कोर्ट का जो एडवोकेट जनरल होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियर लॉयर की बात हो रही है तो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे कमेटी में। और जो फिफ्थ मेंबर होंगे वो जो लॉयर्स का बार होता है ना, उसमें से एक बंदे को ले लेंगे। ठीक है, तो पांच लोगों की ये जो है कमेटी होगी। द पैनल वुड एग्जामिन ईच कैंडिडेट बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय सेक्रेटेरिएट एंड इंटरव्यू देम। ठीक है, पहले उनको सारा इंटरव्यू वगैरह करके फिर द नेम इज शॉर्ट लिस्टेड बाय द पैनल वुड बी प्लेस्ड बिफोर द फुल कोर्ट। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा जाएगा या हाई कोर्ट के आगे रखा जाएगा, और फिर जो जजेस हैं वो फाइनल डिसीजन लेंगे उन शॉर्ट लिस्टेड नेम्स में से कि किसको सीनियर लॉयर लॉयर डेजिग्नेट करना है और किसको नहीं करना है। उसके बाद लॉन्च ऑफ द मोबाइल हेल्थ ऐप बाय IAF, तो एक मोबाइल हेल्थ ऐप निकाली है इंडियन एयरफोर्स ने, ऐप का नाम है मेड वॉच। ठीक है, जो ऐप का मेन काम रहेगा वो क्या रहेगा? इट विल बी अ रिमाइंडर टूल टू एनेबल टाइमली इम्यूनाइजेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ऑल एयर वॉरियर्स इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ऐप। ठीक है, वो सारी डिटेल वगैरह देता रहेगा, जब भी किसी बच्चे की इम्यूनाइजेशन ड्यू होगी तो वो डिटेल वहाँ पर उनकी ऐप पे पहुँचा देगा। दिस विल डायरेक्टली एनेबल मिशन इंद्रधनुष ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिशन इंद्रधनुष में जो सरकार है वो क्या चाहती है कि वैक्सीनेट जो है 90% लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, 90% बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो उसकी तरफ ये जो है कार्रवाई करेगा। मेडवॉच इज द फर्स्ट मोबाइल हेल्थ ऐप इन द थ्री आर्म सर्विसेज, तो पहली बार किसी आर्म सर्विसेज में से, आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से पहली बार किसी आर्म फोर्स सर्विसेज में एक ये ऐप निकाली गई है जो हेल्थ को टारगेट कर रही है बच्चों की। नेक्स्ट, हिमाचल इलेक्शन ऑन November 9, तो अपने लिए अभी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिमाचल के इलेक्शन आ गए, किसी में नहीं पूछेंगे पेपर में, लेकिन इस चीज़ में एक जो चीज़ अच्छी आई है वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर ज्योति, उन्होंने कहा है कि पहली बार 136 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ 136 पोलिंग स्टेशंस बनते हैं स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के टाइम पे, और वो सारे के सारे जो मैनेजमेंट होगी वो पूरे जो 136 हैं वो औरतों के अंडर होगी। तो ये काफ़ी, मतलब आप देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक अच्छा जो है स्टेप उठाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, US एंड इसराइल क्विट यूनेस्को, तो US ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो यूनेस्को क्विट करेंगे, और US को फॉलो करते करते इसराइल ने भी कह दिया कि हाँ, US अच्छा कर रहा है और हम भी US के साथ हैं, हम भी क्विट करेंगे। इसका कारण क्या है, US यूनेस्को को क्विट करने के लिए क्या कह रहा है? US का कहना है कि यूनेस्को जो है वो एंटी इसराइल बायस कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यूनेस्को ने ऐसा क्या किया कि यूएस को ऐसा लगा कि वो एंटी इसराइल है? सबसे पहली बात, यूनेस्को इज़ द फर्स्ट यूएन एजेंसी टू हैव एडमिटेड पैलेस्टाइन एज अ फुल मेंबर इन 2011। तो यूनेस्को ने पैलेस्टाइन को भैया एडमिट कर लिया कि हाँ भैया, ये एक फुल मेंबर है, एक अलग सी कंट्री है। अभी तक किसी यूएन एजेंसी ने ऐसा नहीं किया, यूनेस्को पहली ऐसी एजेंसी है। तो यूएस को लगा, यार ये क्या, मतलब हम लोग तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तुम ऐसे रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो इसको, और यूएस को तो वैसे बड़ा बुरा लग जाता है कोई भी अगर उससे पूछे भी ना कुछ कर दे। तो उन्होंने क्या किया, यूएस ने यूनेस्को की फंडिंग जो सारी थी वो रोक दी। ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ द यूएस हैज स्टॉप्ड फंडिंग टू यूनेस्को सिंस देन। तो एक तो ये जो है यूएस ने अब रीजन दिया कि हमने भैया फंडिंग भी रोक दी थी 2011 में, तब भी तुम्हारा जो है वो एंटी इसराइल जो बायस है वो खत्म नहीं हुआ। और ऐसा क्या करा यूनेस्को ने जिसको यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि ये एंटी इसराइल है? UNESCO has often drawn the ire of Israel and Trump administration for a series of decisions, including the listing of Hebron, a city in the southern part of the occupied Palestinian territories, as a Palestinian World Heritage Site. ठीक है, हेब्रॉन वहाँ पर सिटी है जो सदर्न पार्ट में है ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज के, तो उसको यूनेस्को ने लिस्ट कर दिया एज अ पैलेस्टीनियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फिर इसराइल ने क्वेश्चन उठा दिया कि भैया क्या कर रहे हो, ये हमारा इलाका हम क्लेम कर रहे हैं और तुम इसे एज अ पैलेस्टीनियन हेरिटेज साइट बोल रहे हो, ये तो तुम हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो है यूएस और इसराइल को काफ़ी टाइम से जो है वो तंग कर रहा है, और इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब इसको क्विट कर देंगे। ठीक है, तो यूएस ने कहा है कि हम 2000
18 में 31 दिसंबर तक जो है वो क्विट करेंगे, तब तक हम फुल मेंबर रहेंगे। और यूएस का ये भी कहना है कि 31 दिसंबर 2018 के बाद हम परमानेंट ऑब्जर्वर मिशन रहेंगे यूनेस्को में। यूएस छोड़ना भी नहीं चाहता किसी चीज़ को, ठीक है, कि भाई पूरी तरह से चंगुल से निकल ना जाए, तो परमानेंट ऑब्जर्वर मिशन के लिए हम अप्लाई कर देंगे और वो तो इन्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रंप लिंक्स इमिग्रेशन रिफॉर्म टू बॉर्डर वॉल, ठीक है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था डाका पॉलिसी को वो कैंसिल करने की बात कर रहे थे, जो आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो इलीगली अमेरिका में बच्चे पहुंचते हैं, ठीक है, 18 साल की पहले की उम्र से वो इलीगली पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स उनको यूएस ले जाते हैं, ठीक है, तो डाका पॉलिसी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कह दिया था कि भैया हम ये पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं और सारे ऐसे लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाएगा। तो जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी हू हल्ला मचाया था इसके लिए कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये ड्रीमर्स हैं हमारे अमेरिका के और आप इन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। तो प्रेसिडेंट ने अब एक शर्त रखी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ठीक है भैया मैं इनको नहीं निकालूंगा, तो इसके लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए। एक तो तुम लोग बड़ा मेरे को, मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे बोला था कि मैं जो ये मेक्सिको के साथ यूएस का बॉर्डर लगता है यहाँ पर जो है बॉर्डर वॉल बनाऊंगा, क्योंकि मेक्सिको से काफ़ी इलीगल जो है इमिग्रेशन होती है और तुम लोग मेरे को बनाने नहीं दे रहे हो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग है। एक तो मेरी वो चीज़ें प्रूव करो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डाका पॉलिसी में चेंज लाऊंगा और जो एग्ज़ाम वगैरह करा के जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनको यहाँ पर रहने दूंगा, एक चीज़ तो मेरी ये करो। दूसरी चीज़ प्रेसिडेंट ने कहा मैं ये चेन माइग्रेशन को बंद करना चाहता हूँ। अब ये चेन माइग्रेशन क्या होती है, ठीक है, अमेरिकन मॉडल क्या अलाउ करता है कि इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, वो काम वाम करते हैं, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ये हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, वो रहने यहाँ लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं अपने माँ बाप अपने बच्चे अपने बीवी को अमेरिका में बुलाने शुरू कर देते हैं। इसको बोला जाता है चेन माइग्रेशन, कि मतलब एक बंदे को तुमने रहने दिया उसकी वजह से 10-12 बंदे और आगे रहने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को ये भी बंद करना है और इसमें भी तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो शर्त रखना उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। अब ये न्यूज़ जो थी ये आज की न्यूज़ नहीं है, ये जो एडिटोरियल है ये आज की न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये न्यूज़ थी आपकी 19 सितंबर के आसपास की। तो न्यूज़ क्या थी, थीम जो थी मेनली वो ये थी, हमास डिसीजन टू डिसॉल्व द गाजा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी एंड होल्ड टॉक्स विद फतह फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड विद इट्स पॉलिटिकल राइवल, ठीक है। तो पैलेस्टाइन से रिलेटेड ये इशू है, वहाँ की पॉलिटी से रिलेटेड ये इशू है। बैकग्राउंड क्या है, हमास वॉन 2006 इलेक्शंस इन पैलेस्टाइनियन टेरिटरी, फॉट अ वॉर विद फतह इन 2007 फॉर द कंट्रोल ऑफ गाजा आफ्टर इट्स वेस्ट बैंक गवर्नमेंट वॉज डिजॉल्व बाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेजिडेंट मोहम्मद अब्बास, ठीक है। तो मेनली इसमें इशू क्या चल रहा है कि हमास और फतह जो दो ग्रुप्स हैं वो उनके बीच में कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। तो एक जो हमास हैं वो एक टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो वेस्ट बैंक वाले जो टेरिटरी है उसको हम जो है वो फताज रूल करते हैं और जो हमास हैं वो आपकी जो गाजा स्ट्रिप है उस पर उनका रूल रहता है। तो इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब पैलेस्टीन के अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, फतह रूल दोज पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक दैट आर नॉट अंडर इजरायली कंट्रोल वाइल हमास डोमिनेटेड गाजा, ठीक है। अब चेंज इन स्टैंड कर दिया, हमास ने अपना इंटरेस्ट दिखाया री अप्रोचमेंट में, उन्होंने फतह से बात करनी शुरू की कि भैया चलो हम पहले खुद एक नहीं होंगे तो हम दुनिया को कैसे बोलेंगे कि हमें पैलेस्टाइन एक देश बना दो, उसके लिए पहले हमें खुद एक होना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे ब्लॉकेट जो लगाया इजरायल इजिप्ट ने, तो ये सब हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और इसके लिए हमें जो है एक होना पड़ेगा। In May, it adopted a new political charter, softening its stand on Israel and accepting for the first time the idea of Palestine state based on 1967 border. ठीक है, तो हमास ने 1967 border के हिसाब से, जो इसराइल वाले बोलते थे कि भाई 1967 में जो वॉर हुआ था उसके हिसाब से जो बॉर्डर बना था उसके हिसाब से तुम्हें हमें पैलेस्टाइन बनाना है, हमें बना दो लेकिन हमें हमारा देश जो है वो दे दो। Hamas have said that they would allow the reconciliation government based in Ramallah to run Gaza and hold election in their territories. तो Hamas ने अब अपना stand soft करते हुए कहा कि जो फतह की government है रामल्ला में वेस्ट बैंक वाले एरिया में, उनको हम अब गाजा में भी सरकार बना इलेक्शन कंडक्ट करवाने देंगे और यहाँ पर जो इलेक्शन के बाद जो सरकार बने उसको इंटीग्रेटेड पैलेस्टाइन की एक सरकार माना जाए। फतह हैज़ वेलकम द स्टेप, तो फतह ने भी कहा कि हाँ भैया ये तो अच्छी बात है, तुम अब एकता में बात कर रहे हो, चलो एक हो। अ यूनाइटेड ब्लॉक वुड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ पैलेस्टीनियंस विज़ इज़राइल। अभी क्या होता था कि अगर कुछ भी बार्गेन करना है तो हमास अपना अलग बार्गेन कर रहे हैं, पैलेस्ट जो वेस्ट बैंक वाले जो फताज हैं वो अपना अलग बार्गेन कर रहे हैं। अब जब यूनाइटेड हो जाएंगे तो जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस चेंजेस। तो आज हमने ये फिर से क्यों देखा, जो हम डिस्कस कर चुके थे 19 सितंबर को, उसका रीज़न ये है, वो आज की जो करंट न्यूज़ है 13 अक्टूबर की, वो
हमास फाता इंक डील इन पेलेस्टीनियन रिकन्सिलिएशन। तो 17 सितंबर को बात करनी शुरू हुई थी और 13 अक्टूबर को इन्होंने जो है डील को इंक कर लिया है, ठीक है। तो ये राइवल जो पेलेस्टीनियन फैक्शंस थे हमा एंड फाता हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन थर्सडे एंडिंग अ डिकेड लॉन्ग स्प्लिट फॉलोइंग टॉक्स मीडिएटेड बाय इजिप्ट, ठीक है। टॉक्स जो मीडिएट किए हैं उसको इजिप्ट ने किया है। अंडर द एग्रीमेंट वेस्ट बैंक बेस्ड पेलेस्टीनियन अथॉरिटी इज टू रिज्यूम फुल कंट्रोल ओवर द हमास कंट्रोल गाजा स्ट्रिप बाय दिसंबर, ठीक है। दिसंबर तक जो है वो आपके फाता जो फाता अथॉरिटी है वो वहाँ पर गाजा स्ट्रिप के ऊपर कंट्रोल ले लेंगे। नेगोशिएशंस आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन फॉर्मिंग अ यूनिटी गवर्नमेंट। अब बातचीत चलेगी कि कैसे यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए और जो बाकी की पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, फतह और हमास तो दो है ना, इसके अलावा जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनको भी लेकर आया जाए, उनसे भी बातचीत किए जाए। और उनसे बातचीत करने की जो डेट रखी गई है वो नवंबर 21 रखी गई है, वो भी जो बातचीत होगी वो इजिप्ट में ही होगी और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हम देख लेंगे। GS3 में देख लेते हैं। GST टू हिट एविएशन सेक्टर बाय 5700 करोड़ अ ईयर। इंडियन कैरियर्स विल बिकम ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव एज दे विल लूज आउट टू कॉम्पिटिटर एयर से एयरलाइंस। तो जो एविएशन इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि कुछ हमें 5700 करोड़ का जो है लॉस होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वजह से। तो सरकार को उन्होंने कहा है कि आप थोड़े से इसमें प्लीज़ चेंजेस लेके आइए, नहीं तो हम जो है ग्लोबली जो एयरलाइंस हैं उनसे कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो क्या क्या जो है डिमांड की है इन्होंने। द एयरलाइंस हैव डिमांडेड दैट द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बी नॉट चार्जेबल ऑन री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर्ड एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड पार्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने कोई आपका आपके पास एयरक्राफ्ट के पास कोई इंजन है, ठीक है। अब इंडिया में रिपेयर होने का उसका जुगाड़ नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग शॉप्स नहीं है वैसे कि आप इंडिया में रिपेयर करा सको, तो उसको रिपेयर करने के लिए बाहर देश में भेजा जाता है जहाँ से उसको इम्पोर्ट किया गया था ओरिजिनली। तो पहले क्या होता था, जो पहले का आपका टैक्स स्ट्रक्चर था, जो GST से पहले का टैक्स स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर अगर आप अपना कुछ इंजन वगैरह रिपेयर करने के लिए भेज रहे हो दूसरी कंट्री में और रिपेयर होने के बाद उसको इंडिया में वापस लेकर आ रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन GST के अंदर क्या रूल बना दिया गया है कि अगर आप कुछ रिपेयर होने के लिए फॉरेन कंट्री में भेज रहे हो और रिपेयर होने के बाद वापस उसको इंडिया में लेकर आते हो तो उस पर जो है आपका GST लगता है, ठीक है। और GST अच्छा खासा GST लगता है, उस पर कुछ 18% का आपका GST लग जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एयरलाइंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस होगा और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। अब इंटरस्टेट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर कैप्टिव कंजम्पशन क्या हो गया कि आपने इंजन के कुछ पार्ट्स मंगाए हुए हैं, ठीक है, बेयरिंग्स वगैरह मंगाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंडिगो एयरलाइंस है, उसने कहीं से बेयरिंग्स वगैरह मंगा लिए, फॉर एग्जांपल जर्मनी से बेयरिंग्स मंगा लिए, जर्मनी से बेयरिंग्स मंगाकर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के पास रख लिए सारे बेयरिंग्स, ठीक है। अब वो बेयरिंग्स की रिक्वायरमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल श्रीनगर में कोई एक फ्लाइट खड़ी है और वहाँ पर उसको बेयरिंग्स चाहिए, तो उन बेयरिंग्स को हेड ऑफिस से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर भेजा जाएगा। तो पहले क्या होता था, ऐसे अगर आपने कहीं से मंगाया तो इंटर स्टेट जो ट्रांसफ़र है, आपने फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है वहाँ से श्रीनगर भेज रहे हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था क्योंकि वो आपने पहले से खरीदे हुए हैं और जब आपने उनको इंपोर्ट किया था जर्मनी से तब आपने उन पर टैक्स दे दिया था, तो उसके अलावा आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब लेकिन GST स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बॉम्बे से आपका जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है वहाँ से श्रीनगर भेजना है जहाँ पे आपको बेयरिंग्स की नीड है, तो आपको इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी जो कॉस्ट है वो इनकी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेबल पार्ट्स अंडर सर्विस एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेबल पार्ट्स क्या है, अब कुछ सर्विस करानी है आपको अपने किसी प्रोडक्ट की और आप अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, वहाँ से कोई आदमी आके आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका एयरलाइंस है उसको कुछ 5700 करोड़ का जो है वो लॉस होगा। एयरलाइंस टोल्ड द मिनिस्ट्री दैट अनदर एरिया ऑफ कंसर्न वॉज GST एप्लीकेबल ऑन इट्स ट्रांसफर ऑफ एयरक्राफ्ट स्पेयर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द हाई रेट ऑफ IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ परचेज एयरक्राफ्ट वॉज अनदर इशू। तो इन्होंने कहा कि आप जो परचेज एयरक्राफ्ट हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट लगा रहे हो, जो हम बाहर से खरीदते हैं तो उसको भी थोड़ा सा कम करो, नहीं तो हम ग्लोबली जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। और अब ये न्यूज़ जो थी, HRD मिनिस्टर श्री प्रकाश जावेदकर
प्रेजेंट्स गुरु संग्रह टू श्री प्रणब मुखर्जी, तो बैंक वैंक के एग्जाम में पूछे जा सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो गुरु संग्रह एक किताब निकाली है HRD मिनिस्ट्री ने, ठीक है, इसको प्रिपेयर किया है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। गुरु संग्रह है क्या? गुरु संग्रह में जो आपकी किताब है, इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ कॉन्वोकेशन एड्रेसेस गिवन बाय श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो जो प्रणब मुखर्जी थे, जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे, पिछले प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थे भारत के, उन्होंने जितने भी कॉन्वोकेशन एड्रेसेस दिए हैं, उन सारे कॉन्वोकेशन एड्रेसेस को कंपाइल करके एक बुक में डाल दिया गया और उसका नाम है गुरु संग्रह, ठीक है। तो फैक्चुअल सा है। इंडिया इनवाइट्स ऑल नेशंस टू पार्टनर इन द एंडेवर टू हार्नेस क्लीन एनर्जी एंड सेव द प्लैनेट। पावर मिनिस्टर चेयर्स कर्टन रेजर सेरेमनी फॉर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट एंड फाउंडिंग सेरेमनी ऑफ ISA। तो ये जो सारा प्रोसेस होना है ना, ये अभी दिसंबर में होना है, ठीक है। तो कर्टन रेजर वगैरह हुआ है, उसमें कुछ स्पीच वगैरह दी थी और कुछ अपने लिए खास नहीं है। जब ये होगा, जब दिसंबर में होगा, तभी इसको एक्चुअली पढ़ने का फायदा है, क्योंकि तभी चीज़ें सामने आएंगी। तो अभी इसको पढ़ने का अपने पास कुछ खास फायदा है नहीं, इसीलिए इसको यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया गया है। इसको पहले हो जाने दो, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे, और बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के साथ आपका रहता है उसको प्रेस कर लेना, तो आपको इंस्टेंट जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएगा। प्लस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 जो प्रीलिम्स क्विज वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि UPSC बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उसमें UPSC के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पर है, कितना आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है और क्या क्या कमियाँ हैं। उस वेट में मत रहना कि पेपर से एक महीना पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।